बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर अनेक लोग विज्ञापन देकर युवाओं को ठग लेते हैं। ऐसे ही आज एक युवक विनय तिवारी ने अनेक लोगों के साथ ठगी की, जिसकी शिकायत बेरोजगारों ने एसपी से की है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अभी सर हीरापुर रहने वाले हैं। ये आज जो शिकायत करने आए आप कोतवाली में, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये सर, इसने दैनिक भास्कर में एड निकाला कि इस पे एनजीओ में काम कराएंगे, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसमें गांव गांव को सर्वे करना है, मरीज निकालना है। मरीज निकालने के बाद जो मरीज निकालते हैं उनका अपन पंचायत स्तर पे कैंप लगवाएंगे, और जो अपने डॉक्टर वगैरह यहाँ जाएंगे एम नीडा जो भी, तो उन्होंने कैंप लगाने का बोला, और उनके लिए छह लोगों की एक तहसील पर टीम बनाने का बोला। छह लोगों की एक टीम बनाना है जिसमें एक टीम लीडर लाएगा और पांच एरिया असिस्टेंट रहेंगे। उसके बाद 7,000 सैलरी रहेगी एरिया असिस्टेंट की और 10,000 टीम लीडर की सैलरी। उनके उन्होंने बोला कि आप जो भी जो काम करोगे वो जनता का हिस्सा काम है, चक्कर हम आ गए जहाँ से। उसका नाम क्या था? उसने विनय तिवारी नाम बताया अपना। कहाँ के रहने वाले थे वो? रहने वाले जबलपुर का बता रहे, जबलपुर के रहने वाले, उनका हेड ऑफिस जबलपुर है। आप लोगों ने कितने कितने पैसे लिए? उन्होंने सर हमसे एक टीम से छह लोगों के लिए उन्होंने हमसे 3,000 रुपये लिए एक टीम से। उन्होंने अपनी 11 तहसीलें सभी 11